तो जीवन ज्योति के अगर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, अभी चालू है आपका नया नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आज मैं आपके पास वैकेंसी लेके आया हूँ, जिसका दिया है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/WBPCB/2020। अभी मैं आपको डिटेल्स में लेके जाऊंगा, देखिए पोस्ट के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट पोस्ट जो है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, 5 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल बायोटेक्नोलॉजी केमिकल सिविल मैकेनिकल एनवायरमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमोबाइल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज एसेंशियल है, पे लेवल 16। नंबर 2 है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, 12 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल बायोटेक्नोलॉजी केमिकल सिविल मैकेनिकल एनवायरमेंटल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमोबाइल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फ्रॉम अप्रूव्ड स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल, पे लेवल है 12। नेक्स्ट है नंबर 3 जो पोस्ट है, देखिए एनवायरमेंट एनालिसिस एनालिस्ट, 3 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस जियोलॉजी बायोलॉजी जूलॉजी बोटनी केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क में। कंप्यूटर नॉलेज एसेंशियल है, पे लेवल है 10। नंबर 4 है आपका सीनियर अकाउंट्स क्लर्क, 5 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन है देखिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स के काम के ऊपर, पे लेवल है 9। नंबर 5 अकाउंट्स क्लर्क, 3 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन पास इन माध्यमिक एग्जामिनेशन इन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। कंप्यूटर नॉलेज एसेंशियल है, पे लेवल है 6। नंबर 6 है लेबोरेटरी असिस्टेंट, 7 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन पास इन हायर सेकेंडरी साइंस एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। जो मैं आपको बता रहा था कि क्वालिफिकेशन है अकाउंट्स क्लर्क का, 3 पोस्ट है, माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन से और पास करना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज एसेंशियल है, पे लेवल है 6। फिर आया लेबोरेटरी असिस्टेंट, 7 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन है पास इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन साइंस के ऊपर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, प्रोसेसिंग मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी काम के ऊपर, पे लेवल है 6। और फिर आया जूनियर एनवायरमेंटल असिस्टेंट, 13 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन पास इन माध्यमिक एग्जामिनेशन ऑफ द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, कंप्यूटर नॉलेज एसेंशियल है, पे लेवल है 6। और एज लिमिट है 18 से 37। तो एससी एससी के लिए छूट दिया गया है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 10th December 2020 से, लास्ट डेट है 31/12/2020। और इसका आप कैसे जाएंगे, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ www.wbpcb.gov.in फिर स्लैश दीजिएगा फिर नोटिसेस NOTICES नोटिसेस अगर मारेंगे तो उसमें आप जो पेज आएगा, पेज आने के बाद देखिए एक ऐसा टाइप का पेज आएगा, इसमें क्लिक हेयर कीजिएगा, क्लिक हेयर करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आएगा वो ये आएगा, जिसमें आपका जो नया कैंडिडेट है वो रजिस्टर कर पाएंगे, जो ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं वो लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद फॉर्म आएगा, फॉर्म के हिसाब से आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्म जो है सब कुछ ऑनलाइन पे फिलअप करना पड़ेगा, वो भी 31 दिसंबर के पहले। तो दोस्तों ये वीडियो अगर मेरे अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।